बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम सादुर रहमान, योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2013। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू मेंटेन स्लाइड्स, हाउ टू मेंटेन अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हमने सीखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है पावर पॉइंट 2013 की मदद से। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? प्रेजेंटेशन इज़ अ सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक वे में डिस्प्ले करना एक खास पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन और यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, यानी कि यूज़र के लिए जिस पर काम करना सबसे ज़्यादा आसान है, वो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। आपने प्रेजेंटेशंस तो नेट पर कहीं देखी होंगी, उसके अंदर कहीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कहीं टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे कि मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर अगर एक प्रेजेंटेशन बताऊँ, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर नज़र आएंगी। प्रेजेंटेशन के अंदर काफ़ी सारे टेक्स्ट होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, पिक्चर्स होते हैं। जैसे ये कहने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है कि हेडिंग डली हुई है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है। खैर, ये पेड है इसलिए ये मुझे परचेज़ नहीं कर सकूँगा मैं, ठीक है। हम कोई फ्री देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट दी हुई है, तो ये देखें, ये हेडिंग स्टार्ट हो गई, ये टाइटल स्लाइड थी, ठीक है। उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस को डिफाइन कर रहे हैं, ये नाम लिख लिए, डेफिनेशन आ गई, पिक्चर्स लगा दी, ठीक है। इस तरह से आपके पास की पॉइंट्स दे दिए, फिर पिक्चर्स लगा दी, ये कहलाती है हमारी प्रेजेंटेशन। इस तरह से हम किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर रहे होते हैं और पिक्चर इंसर्ट कर रहे होते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर जो है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़र के लिए आसान है तो इस पर काम करना, वो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर जो है वो सीरीज़ ऑफ स्लाइड्स, मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई थी, उसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड को ऐड करवाया जाता है, यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे हम किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, उससे रिलेटेड हम इमेजेस लगा देते हैं, हम साउंड अप्लाई कर देते हैं कोई ना कोई, ठीक है, कोई और कोई वीडियो इंसर्ट करवा देते हैं, उसके ज़रिए हम पूरी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। अब मैं आपको पावर पॉइंट ओपन करना सिखाता हूँ। पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एमएस ऑफिस 2013 का फोल्डर है, इसमें आपका पावर पॉइंट का ऑप्शन मौजूद है। ये आपका पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो गई। जब आप पावर पॉइंट की विंडो ओपन करेंगे तो आपके पास ये जो बीच में एक वाइट स्लाइड आ रही है, ये आपकी कहलाती है मेन स्लाइड, जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। ये आपकी करंट स्लाइड है जिसके ऊपर आपने काम करना है, करंट स्लाइड सिलेक्टेड होती है, ठीक है। इसके ऊपर आपने देखे, मैंने क्लिक किया हुआ है, पर ऑरेंज कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है। पावर पॉइंट में कई किस्म के व्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्लाइड नॉर्मल व्यू, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसमें हम एक सेकेंड, स्लाइड शॉर्टर व्यू को समझने के लिए आपको, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल स्लाइड्स एंटर करनी होंगी। पहले मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। जब भी आप स्लाइड ओपन करेंगे या कोई भी स्लाइड अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई डिज़ाइन यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। कोई भी कलर का डिज़ाइन आप डिज़ाइन टैब से जाकर ले सकते हैं, उसके शेड्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो बैकग्राउंड है वो खूबसूरत नज़र आए, ठीक है। अब अगर आपको मज़ीद लेआउट्स चाहिए, मज़ीद आपको स्लाइड्स एंटर करवानी है, मज़ीद स्लाइड्स चाहिए, तो आप यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर जो है वो स्लाइड्स एंटर करवा सकते हैं यूजिंग अ न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड के ज़रिए आप डिफरेंट कंटेंट्स ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट एंटर करवा दिए हैं स्लाइड लेआउट्स, ठीक है। डिफरेंट लेआउट्स हैं, किसी में आपको डिफरेंस बयान करना है, किसी में आपको तस्वीर शो करनी है, किसी में आपको टेक्स्ट लिखना है और इमेज लगानी है। डिफरेंट लेआउट्स हैं, आप जो यूज़ करना चाहें। अगर आपको कोई लेआउट कॉपी करना है, जैसे कि ये लेआउट आपको कॉपी करना है, तो आप इसको क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये लेआउट आपका कॉपी हो जाएगा,
ठीक है। अब मल्टीपल लेआउट्स हैं, आप अगर स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे तो आप इन स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स को आगे पीछे सॉर्ट कर सकते हैं। ये व्यू के अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन स्लाइड को सॉर्ट आप कर सकते हैं, आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर बुक व्यू है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लाइड शो व्यू। ये व्यू कहलाता है रीडिंग व्यू, सॉरी। तो रीडिंग व्यू में आपके पास एक स्लाइड एक वक्त में आ रही होगी, आप आगे पीछे कर्सर की इससे स्लाइड आगे मूव करवा सकते हैं। आप देखिए स्टेटस बार में लिखा हुआ है स्लाइड 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5, 5 of 5, एंड देन यू विल गो बैक टू योर प्रीवियस स्क्रीन, ठीक है। इसी तरह से आप जो है स्लाइड शो कर सकते हैं, स्लाइड शो के अंदर भी आप फुल स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स को आगे मूव करवा कर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ व्यूज़ थे, ये आपके पास नीचे ऑरेंज कलर की स्टेटस बार आ रही है जिस पर आपकी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स लिखी हुई हैं, और आपके पास यहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं। रीडिंग व्यू है, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू है, इसमें स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। रीडिंग व्यू में और स्लाइड शो व्यू में आप स्लाइड्स को सिर्फ चलाकर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। स्लाइड शो व्यू में वो जो इफेक्ट्स आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो भी चलते हुए नज़र आएंगे। नॉर्मल व्यू में अलबत्ता आप जो है इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ अगर एडिट करवा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवा रहे हैं, तो करवा सकते हैं। ऑन द टॉप यहाँ पर आपके पास एक क्विक एक्सेस टूल बार है जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि रीडू है, अंडू है, पेस्ट है, सेव है, ठीक है। स्लाइड शो व्यू है, यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग F5 का बटन है यहाँ पर, यानी कि प्रेस F5, अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो भी आप स्लाइड शो व्यू पर पहुँच जाएंगे। देखिए मैंने F5 प्रेस किया, मैं स्लाइड शो व्यू पर पहुँच गया। अगर मैं यहाँ से स्लाइड शो व्यू पर क्लिक करूँगा तो भी मैं रन स्लाइड शो व्यू पर आ जाऊँगा, ठीक है। मज़ीद आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाकर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनानी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये मैंने प्रेजेंटेशन बना ली, अच्छा ये मैंने इसका टेक्स्ट को थोड़ा साइज में काफ़ी बड़ा हो गया, ये मैंने बोल्ड करवा दिया, अच्छा। अब इसका कलर चेंज करवाना चाहते हैं, यू कैन डू दिस, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको अपर केस में, पहले ही अपर केस में था, अगर आप इसका केसेस चेंज करवाना चाहते हैं, अपर केस लोअर केस, तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन करवा सकते हैं कि आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये किससे बनाई है, मेड बाय साधु रहमान, अच्छा जी। यहाँ पर आपके पास ये मैंने बोल्ड कर दिया और ये मेरे पास यहाँ पर स्लाइड शो हो रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये इनपुट डिवाइसेस की आपके पास हेडिंग आ गई है, ठीक है। ऑन द टॉप ये आप और मज़ीद बड़ी कर सकते हैं, इसको टॉप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाल दी यहाँ पर और नीचे आपके पास आ गया मेड बाय साधु रहमान, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है। ये आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, अच्छा। इसी तरह से आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पिक्चर्स के ज़रिए इंसर्ट करवाएं, जैसे मैं लिख दूँ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो वो बिंग पर कुछ इमेजेस सर्च करेगा, ठीक है। बिंग एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर वो इमेजेस सर्च करके लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इमेजेस आ रही हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की, वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवा ली, तो यहाँ पर मैं उसकी पिक्चर इंसर्ट करवा के लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करवा ली। आप चाहें तो कोई सेव्ड पिक्चर जो आपके पीसी में स्टोर्ड है वो पिक्चर भी इस पे इंसर्ट करवा सकते हैं। पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे
और जो भी पिक्चर आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है या सेव्ड है, जैसे मैं मिसाल है मैं कार की पिक्चर लगा दूँ, तो मैं इस कार की पिक्चर को इंसर्ट करवा के किसी भी जगह पर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, जाहिर है कि फ़िलहाल यहाँ कार की पिक्चर ही आएगी, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड पिक्चर प्रेजेंटेशन में लगाई जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट आप अपनी स्लाइड को मज़ीद डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप इंडिविजुअली इनपुट डिवाइसेस को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस की एडिंग आ गई आपके पास, ठीक है। मज़ीद इसको आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इनपुट डिवाइसेस के बारे में की पॉइंट्स लिख सकते हैं, की पॉइंट्स नेट पर भी ढूंढ सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करनी है वो आप नेट से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई, तो आपको यहाँ से डेफिनेशन मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है विकीपीडिया से ही इंफॉर्मेशन हासिल करें, बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। उसके ऊपर से आप इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन दी हुई है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट्स आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। मज़ीद इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल दी हैं आपके पास इनपुट डिवाइसेस की, वो एग्ज़ाम्पल्स आप यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अच्छा, ये बुलेट्स का जो सिंबल है वो आप चेंज कर सकते हैं। बुलेट इंसर्ट कैसे करवाई, बुलेट इंसर्ट करवाने का ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, बुलेट का ऑप्शन मौजूद है, आप चाहें तो बुलेट का ऑप्शन चेंज करवा सकते हैं, बुलेट अप्लाई भी कर सकते हैं, बुलेट का ऑप्शन चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक सेकेंड, ठीक है। या अपना इसका साइज़ इंक्रीज करवा सकते हैं, फॉन्ट साइज़ का ये जो ग्रेड है इसके हिसाब से इसका फॉन्ट साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे आपने इनपुट डिवाइसेस लिखा है तो अब आप इनपुट डिवाइसेस की कोई पिक्चर भी लगा दें। आपने इनपुट डिवाइस लिखा, अब आप इनपुट डिवाइस लिखने के बाद यहाँ पर कोई भी इनपुट डिवाइस की पिक्चर ले लें, जैसे कि ये कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये इनपुट डिवाइसेस आ गई, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपने कॉपी इमेज करा, कॉपी इमेज करने के बाद आप यहाँ पर उस इमेज को पेस्ट कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है, ये देखें अब इमेज भी है और यहाँ पर आपके पास उसकी पिक्चर भी आ गई। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्रॉप एन इमेज तो फॉर्मेट टैब में जाएं और इमेज को अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हैं। इमेज को अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने वो बाकी पिक्चर हटा दी, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी पिक्चर भी मैंने इंसर्ट करवा दी है। आप पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं, टॉप पे टाइटल बार है जहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन का नाम है, जब आपको प्रेजेंटेशन सेव करनी है फाइल टैब में जाएँ, इसको सेव कर दें जहाँ पर भी आपको सेव करना है। एक सेकंड, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पर जब आपको इंसर्ट करवाना है इमेज को तो आप कंप्यूटर में जाएं, ब्राउज़ करें, ब्राउज़ करने के बाद आप जो भी लोकेशन देनी है वो लोकेशन दें और सेव कर दें। ये आपकी इमेज सेव हो गई। अब आप देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो आपकी प्रेजेंटेशन का नाम है, साथ में उसका एक्सटेंशन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास सेव, रीडो और अंडू के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास रिबन आ रही है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। फाइल टैब है, फाइल टैब के अंदर आपके पास न्यू, इन्फो,
कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, ठीक है, कोई न्यू प्रेजेंटेशन इंसर्ट करवानी है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टैंपलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टैंपलेट्स आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारे टैंपलेट यहाँ पर आपके पास आ गए, आप यहाँ से नए नए टैंपलेट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप आसानी अच्छी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन प्रिंट करवानी है तो प्रिंट भी यहाँ पर आप इसके ज़रिए करवा सकते हैं, प्रिंट के ऑप्शन में जाके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का बटन है टाइटल बार के ऊपर। उसके नीचे आपके पास यहाँ होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब में आपकी स्लाइड्स की डिज़ाइनिंग आ जाएगी, आपकी स्लाइड का आप कौन सा साइज़ रखना चाहते हैं वो आ जाएगा, और आपकी अगर आप इस डिज़ाइन के बजाय कोई सॉलिड कलर लेना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कलर लेना है स्लाइड का, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखें ठीक है, फिलहाल आपके यहाँ पर डिज़ाइन स्लाइड का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रहा कलर। लेकिन अगर आप कोई सॉलिड कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको अप्लाई करवा सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर आपने डिज़ाइन दिया हुआ है तो डिज़ाइन की वजह से आपको उसका इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइन ना लें, ठीक है, यहाँ पर मैंने थीम चेंज कर दी, तो थीम आप वही यूज़ कर लें जो आपने पहले यूज़ की हुई थी, ठीक है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करवा रहा हूँ, उसमें कोई कलर ऐड करवा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। बट फॉर द इस चेंज को देखने के लिए आपको ये डिज़ाइन जो आपने लिया है हटाना होगा, और उसके बाद आपको दूसरा कलर यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन और ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जाकर आपने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ अगर मिसाल है सेट करनी है डिज़ाइन टैब में, तो यहाँ आप डिफरेंट सॉलिड कलर लेना चाहते हैं तो आपके पास उसी कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा, नज़र आ रहा है। अगर आप कोई ग्रेडियंट लेना चाहते हैं तो वो ग्रेडियंट आ जाएगा आपके पास, देखें, ठीक है। अगर आप कोई पिक्चर या टेक्स्चर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्चर दिए हैं, आप टेक्स्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। कुछ पैटर्न इंसर्ट करवाने हैं तो आप पैटर्न इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्चर्स भी दिए हुए हैं, और आप कोई इमेज भी इंसर्ट पिक्चर भी पीछे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। फाइल मेन्यू पर जाके अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करवाएंगे तो बैकग्राउंड में वो पिक्चर भी तस्वीर में आ जाएगी, ठीक है, बैकग्राउंड आपकी उसी पिक्चर का आ गया, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर स्लाइड नेविगेशन पेन है, ठीक है, स्लाइड नेविगेशन पेन, ये जो साइड में जहाँ पर नंबर ऑफ़ स्लाइड्स दी है ना, ये आपका स्लाइड नेविगेशन पेन है, यहाँ से आप अपनी मल्टीपल स्लाइड पर जा सकते हैं, जिस स्लाइड पर जाएंगे वो स्लाइड हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है, मल्टीपल स्लाइड्स पर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2-3 स्लाइड नंबर 1, 2, 3 पर आ गया। अच्छा, स्लाइड सॉर्टर व्यू के अलावा आप यहाँ से भी स्लाइड्स को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू से तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास रूलर आ रहा होता है, व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास रूलर का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, आप चाहेंगे तो अपनी स्लाइड को रूलर के हिसाब से भी एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेस होल्डर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे ये जहाँ पर इनपुट मैंने लिखा है ये प्लेस होल्डर कहलाता है, इसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स, ठीक है। नीचे नोट्स हैं, अगर आप अपनी स्लाइड के बारे में कोई नोट लिखना चाहते हैं तो वो स्लाइड शो में नहीं शो होगा, जैसे अगर आप कोई की पॉइंट्स स्लाइड को रिफाइन करने के दौरान बयान करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नोट्स में आपके पास शो हो रहे होंगे, ठीक है। आप अपनी स्लाइड के अंदर कोई ना कोई कमेंट भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रिव्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, न्यू कमेंट आप करेंगे, जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं वो यहाँ आपने कर दिया। मिसाल है कि आप यहाँ कमेंट करना चाहते हैं, ये
दिया आपने एक कमेंट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये कमेंट आप अपना यहाँ पर शो करवा सकते हैं। शो कमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखेंगे कमेंट का निशान आ रहा है। जैसे ही इस कमेंट पर आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कमेंट्स यहाँ पर आप शो करवा सकते हैं। ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसके ज़रिए आप स्लाइड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाली स्लाइड ऊपर वाली स्लाइड पर रहेंगे। और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आती है, ठीक है। लेकिन वो जब आती है जब आपके पास यहाँ पर स्लाइड का साइज़ बहुत बड़ा हो, जैसे मिसाल है मैं बहुत बड़ा साइज़ कर दूँगा तो देखें ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गई, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आप डिफरेंट थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था डिज़ाइन में न्यू टैब में काफ़ी सारी थीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, देखें बहुत सारी थीम यहाँ पर, नई नई थीम्स यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। आप कोई भी थीम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट थीम्स दी हैं यहाँ पर, अच्छा। और टैम्पलेट्स बनी बनाए टैम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि न्यू टैब में मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है तो टेक्स्ट भी इंसर्ट करवा सकते हैं। मैंने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का टेक्स्ट अभी इंसर्ट करवाया था आपके सामने, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट मैं नेट से लेके मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया था। ये मैंने इमेज इंसर्ट करवाई है, आप इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं। आप इमेज इंसर्ट करवाना हो तो इंसर्ट टैब में जाएँ, आप पिक्चर के ज़रिए भी इंसर्ट करवा सकते हैं और ऑनलाइन पिक्चर्स के ज़रिए भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आप कोई वर्ड आर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट कहते हैं थोड़ा सा स्टाइलिश टेक्स्ट होता है वो, ठीक है। ये तो सिंपल है ना। तो इस टेक्स्ट के बजाय अगर आप प्लेस होल्डर डिलीट कर दें यहाँ पर, ठीक है, ये प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर आप स्टाइलिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश टेक्स्ट लिख लिया, ये आ गया, ठीक है। देखें मतलब ये थोड़ा सा स्टाइलिश टेक्स्ट है, आप इसका स्टाइल चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये पसंद नहीं है, तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता है वर्ड आर्ट, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। इसके अलावा आप जो है वो पिक्चर या वीडियो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ से मैं जाऊँ तो मैं अपनी स्लाइड में एक वीडियो भी इंसर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब चाहें तो आप वीडियो यूट्यूब से इंसर्ट करवा लें या अपने पीसी से कोई भी वीडियो इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल है यहाँ पर आपने वीडियो इंसर्ट करवानी है तो आपने बोला वीडियो फ्रॉम माई पीसी, तो आपने यहाँ पीसी में जो वीडियो इंस्टॉल्ड है स्टोर्ड है वो आप वीडियो इंसर्ट करवा लें, ठीक है। यह वीडियो आपके पास भी आ जाएगी, ये लोड हो गई आपकी वीडियो। अब आप स्लाइड के अंदर अपनी वीडियो भी प्ले करवा सकते हैं। जब आप स्लाइड में वीडियो का भी इस्तेमाल होगी, जब आप वीडियो प्ले करेंगे स्लाइड शो चलाएंगे तो आपकी वीडियो साथ ही साथ प्ले हो जाएगी, ठीक है। प्लेबैक में मैं इसको कर देता हूँ ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें जैसे ही आप अपनी स्लाइड शो चलाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे प्रेजेंटेशन चल रही है और ये आपकी वीडियो इंसर्ट हो गई, ये आपकी वीडियो साउंड के साथ चलना स्टार्ट हो गई। आपकी वीडियो इंसर्ट हो गई। इसी तरह से आप कोई भी साउंड यानी कि कोई वॉइस नोट इंसर्ट करवा सकते हैं जो कि आपकी स्लाइड शो के दरमियान सुनाई देगा जब आप चला रहे होंगे। ये मैंने यहाँ एक साउंड इंसर्ट करवा दिया। अब जब आपकी ये वाली स्लाइड चलेगी, मिसाल है कि मैं ये स्लाइड साउंड जो है वो इस स्लाइड पर इंसर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो जब आपकी ये स्लाइड चल रही होगी तो उस वक्त तो ये जब मैं स्लाइड शो चलाऊंगा तो इस वक्त आपकी ये साउंड अप्लाई प्ले हो रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऑन क्लिक भी रख सकते हैं साउंड को, जब आप चाहें तब प्ले हो, और आप चाहें तो ये ऑटोमेटिकली भी प्ले हो सकता है, ठीक है। प्लेबैक में जाके इसको ऑटोमेटिकली भी आगे जाएंगे, आपकी वीडियो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वीडियो खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। अच्छा, इसके अलावा
इसके अलावा आप अपनी प्रेजेंटेशन को अगर सेव करना है तो आप सेव में जाके सेव कर दें। अगर आपको मज़ीद अपनी प्रेजेंटेशन को किसी और नाम से सेव करना है या कोई एक और फाइल सेव करनी है तो आप सेव एस में जाके उसको एक न्यू लोकेशन पर जाकर सेव कर सकते हैं। देखिए ये मैंने, ये तो खैर डेस्कटॉप पे सेव हुई है, अगर आप चाहें तो इसे क्लास फाइल के फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्लोज़ योर डॉक्यूमेंट देन यू कैन क्लोज इट बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन, एंड इफ़ यू वांट टू ओपन योर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जो आपने अभी बनाई है तो आप ओपन टैब में जाएंगे। ओपन टैब में जाके आप कंप्यूटर में जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ब्राउज का बटन है। आपने डेस्कटॉप पे क्लास 5A के फोल्डर में अपनी प्रेजेंटेशन सेव की थी, यहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके ओपन करवा सकते हैं। देखिए आपकी प्रेजेंटेशन ओपन होगी। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, इसके अलावा स्लाइड शो के ज़रिए आप अपनी, मैंने आपको स्लाइड शो के बारे में बताया कि स्लाइड शो के ज़रिए आप अपनी स्लाइड्स को जो है वो व्यू कर सकते हैं कि वो किस तरह से चल। इसमें आप जब अपना प्रेजेंटेशन चला रहे होंगे तो साउंड भी साथ साथ आएगा और वीडियो भी साथ साथ आएगी, और जब जहाँ आपने सिर्फ साउंड अप्लाई किया वहाँ साउंड भी आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर एनिमेशन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह से एनिमेटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स को, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिविजुअल एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो इंडिविजुअली ये टेक्स्ट जो है मेरे पास वन बाय वन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप स्लाइड शो में देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ तक का आपका टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाना था, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लास में जब आप आएंगे इंशाल्लाह तब भी मैं आपको एक बार फिज़िकली रिव्यू दे दूँगा क्लास में, लैब में ले आके इसका, ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। जज़ाकल्ला, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ये प्रेजेंटेशन जो है इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।